हेलो दोस्तों, मैं अर्चना भगवान सिंह और मैं लेकर आई हूँ द एक्टिंग हाउस शो। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिंग को लेके, कि पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि एक्टिंग क्या है, बट इस बार हम बताएंगे कि हम अपनी एक्टिंग को कैसे अच्छे से निखार सकते हैं, कैसे कैसे हमारे को एक्टिंग में जाना है, क्या करना है। तो हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आए हैं कास्टिंग डायरेक्टर शीतू शर्मा जी। थैंक यू मैम आपका बुलाने के लिए शो में। तो सर, हमारा जैसे कि आज का टॉपिक एक्टिंग को लेके है, तो आप तो कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर को हर एक पॉइंट का पता है, हर एक बात का। तो सबसे पहले एक्टिंग का ही होता है, क्योंकि आप ही की ड्यूटी बनती है कास्टिंग डायरेक्टर की, कि हाँ हर बंदे की एक्टिंग देखी जाती है ना, उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कोई भी बंदा एक्टिंग में आता है, तो उसके उसमें मतलब अगर वो अपनी एक्टिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है, उसको बेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या गाइड करोगे आप? मैम देखिए, पहले भी प्लेटफॉर्म काफी थे लोगों के लिए एक्टिंग के लिए, और अब और ज्यादा हो गए हैं, पहले से काफी ज्यादा हो गए। पहले के लोग क्या करते थे कि गांव देहात में या उसमें काफी चीजें होती थी, एक स्तर से गांव के स्तर से होती थी, तो लोग वैसे अपनी एक्टिंग करते थे, सीखते भी थे गांव के लोगों से, एक दूसरे से रंगमंच टाइप चलते थे पहले, तो उनका करते थे मंचों पर, स्टेज शो होते हैं, नहीं थिएटर अलग होता है, वो स्टेज शो अलग होता है। जो गांव में आपने देखा होगा ना, पहले के जमाने में रामलीला वगैरह ऐसी चीजें होती थी, तो वो एक स्टेज पर प्लेटफॉर्म था उनके लिए, उस पर प्रदर्शित करते थे अपनी कला को। और अभी क्या हो गया है कि अभी तो लोग स्टेज शो कर सकते हैं, थिएटर है, स्टैंडिंग कॉमेडी भी है, सारी चीजें, प्लेटफॉर्म भी आपके पास काफी है, और स्कूल में भी आजकल होता है एक्टिंग का, और हर स्टेट का अब अपना अपना एक अलग ही लेवल पे भी होता है, गवर्नमेंट भी इसके लिए उत्साहित करती है, क्योंकि हर स्टेट की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी स्टेट का हम कोई भी ऐड करे कलाकार, या फिर किसी भी पब्लिक में से, अपनी स्टेट की में से किसी भी कलाकार को एक मौका दे। हमारा अगर उसी स्टेट का कलाकार उसी चीज को दिखाएगा, वो अच्छे से बेहतर तरीके से दिखाएगा, और अदर स्टेट का जो कलाकार होगा वो अदर स्टेट की चीजों को अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ स्क्रिप्ट के हिसाब से ही प्रदर्शित करेगा, उसको वैसे फुल नॉलेज नहीं होगी। जो लोकल कलाकार होगा उसको अपनी स्टेट की या अपनी जगह के बारे में अच्छे से पता होगा, तो वो उसके उसी हिसाब से उसको बताएगा लोगों के लिए। थिएटर भी कर सकता है, एक्टिंग स्कूल भी चल रहे हैं, काफी चीजें हैं सीखने के लिए अगर सीखना चाहें। हाँ, पहले टाइम में तो कोई एक्टिंग स्कूल भी नहीं होते थे ना, कोई एक्टिंग क्लास नहीं लगती थी, वो जो भी किसी की एक्टिंग होती थी तो वो खुद का ही हुनर होता था, खुद की प्रैक्टिस होती थी। अब तो बहुत सारे एक्टिंग क्लास लग गई है, बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, और स्कूल भी खुल गए हैं। इसके अलावा आजकल देखिए, आप जब स्टडी खत्म हो जाती है गर्मियों में, 2 मंथ का वेकेशन चलता है, तो उसमें भी समर कैंप वगैरह चलाते हैं स्कूल वाले जी, तो वो कर सकते हैं बच्चे आराम से उसको। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे काफी एक्टर है उनके इंटरव्यू सुने गए हैं, तो वो भी बोलते थे कि उनकी फैमिली अलाउड भी नहीं करती थी, एक्टिंग को अच्छा नहीं मानती थी, बट अब तो फैमिली खुद सपोर्ट करती है अपने बच्चों को ना एक्टिंग में लाने के लिए। पहले क्या था, लोगों का नजरिया था जी, एजुकेशन कम थी तो नजरिया थोड़ा कम था, अब जैसे जैसे एजुकेशन हुई, ग्रो हुआ, लोग चीजों के बारे में जानने लगे, फैमिली भी सपोर्ट करने लगी। आजकल आर्टिस्ट कम सपोर्ट में रहता है जिसको करना होता है वो, बट उसकी फैमिली ज्यादा रहती है जी, क्योंकि फैमिली स्टार्टिंग से ही सोचती है कि इसको कुछ अलग कराया जाए जी। और हर किसी को पब्लिसिटी पसंद है, एजुकेशन बदलती है तो लोगों का नजरिया भी बदलता है। हाँ जी, टाइम के हिसाब से सबकी सोच चेंज हो जाती है, बट अभी भी काफी फैमिली ऐसी है जो मतलब यही सोचती है, नहीं हमारे बच्चे अपना पढ़ लिख के किसी गवर्नमेंट जॉब पे लगे, ना कि इस लाइन में जाए, क्योंकि और कहीं पे भी जॉब पे लगते तो वो एक फिक्स हो जाता है ना, बट इसमें हमारा फ्यूचर फिक्स नहीं होता, वो हमारे लक पे चलता है। अगर हमारा लक अच्छा है, हम अच्छा एक्ट कर रहे हैं,
तो हम आगे जाएंगे, तो इस हिसाब से पेरेंट्स बहुत से डर जाते हैं। नहीं मैम देखिए लग नहीं है, फ्यूचर हर फील्ड में है आपका, एक्टिंग मॉडलिंग में चले जाओ या गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, करना ना करना वो एक जो वर्क करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट में भी वो अच्छा वर्क नहीं करोगे, कोई गलत करोगे तो वहां से भी निकाल दिए जाओगे, वहां भी फिक्स नहीं है फ्यूचर तो आपका, प्राइवेट में भी नहीं है अगर नहीं करोगे तो। स्ट्रगल मैम स्टार्टिंग में हर चीज में है, गवर्नमेंट भी करोगे तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो करना पड़ता है ना आपको, उससे इसमें इतना तो नहीं करना है ना, उसमें ज्यादा करना है। बाकी तो ये है कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है, काफी गवर्नमेंट लोग हैं जो कि एक्टिंग कर रहे हैं साथ में जी, फ्रीलांस होती है एक्टिंग करती हैं। की टाइम में काफी बंदे हैं ऐसे जो साथ साथ में जॉब कर रहे हैं साथ साथ में अपना, क्योंकि इसमें ये नहीं है ना कि भाई जैसे जॉब है उसमें जाना हमारी एक मजबूरी है क्योंकि हमें अपने डेली यूज के खर्चे का चलाना है तो जॉब करनी, बट अगर किसी का पैसा नहीं किसी को खुशी मिलती है जैसे सिंगिंग में एक्टिंग में किसी भी उसमें, तो वो अपना साथ साथ में यहाँ पे भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है उसको, तो कि अब काफी फैसिलिटी हो गई है। और प्लेटफॉर्म के अलावा ये भी है ना कि अब प्रोडक्शन बच्चे हैं या कोई स्टडी कर रहा है तो वो उसके लिए प्रोवाइड करता है स्टडी भी आपका, जैसे कोई भी स्कूल वगैरह से आप स्टडी कर रही हो, ऑनलाइन स्टडी सिस्टम चल रहे हैं तो प्रोडक्शन वगैरह आपके स्कूल से कॉन्टेक्ट करता है, स्कूल वाला आपकी ऑनलाइन स्टडी का सेटअप करता है, उधर प्रोडक्शन भी करके देता है उसको बच्चे के लिए जिस भी क्लास में है, तो स्टडी आपकी खराब नहीं होती है जी। जो करना चाहे वो कर सकता है आराम से, और पहले स्टडी का इतना वो नहीं था, प्रोडक्शन वगैरह नहीं करता था और आर्टिस्ट वगैरह के साथ भी फैमिली अलाउड नहीं थी, इसलिए पहले के लोग डरते भी थे कि अकेले आप भेजें या ना भेजें वहाँ कैसा क्या होगा, अब फैमिली अलाउ रहती है। ऑनलाइन भी काफी क्लासें लगती है ना, अगर कोई किसी के पास नहीं इतना टाइम है कि, क्योंकि साथ में अगर हम कुछ और काम कर रहे हैं या अपने बच्चे छोटे हैं उनको नहीं बाहर भेज पा रहे हैं, नहीं इतना टाइम दे पा रहे हैं कि छोड़ के आए गए, तो ऑनलाइन क्लास भी लगती है ना एक्टिंग की। वो इस एक्टिंग की लगती है बट ऑनलाइन क्या सीखोगे आप, उसमें कोई सीखने का मतलब ही नहीं है क्योंकि एक्टिंग जब तक करोगे नहीं सीखोगे नहीं, ऑनलाइन में क्लास चला रहे हैं, देखिए वर्कशॉप या वो सारी चीजें चला रहे हैं बट उसको आप देख सकते हो, सामने वाला आपकी एक्टिंग को नहीं देख सकता है ना, क्योंकि जब तक आपकी एक्टिंग नहीं दिखेगी आप सीखोगे, अब ऐसे ऑनलाइन से आप सुनोगे उसको बस कर तो नहीं सकते। तो मतलब ऑनलाइन क्लास अगर लगवा दे तो उसमें ऐसे ही पेरेंट्स को मतलब रिस्की है, अपना पैसे ही लगा रहे हैं क्योंकि बच्चे में वो हुनर अच्छे से नहीं आए ना जो फेस टू फेस किसी से होता है। ऑनलाइन करके भी फिर भी आपको करना पड़ेगा, अगर आपने किसी भी टॉपिक को देख लिया या ज्वाइन कर ली क्लास, आप बिल्कुल उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एक्टिंग नहीं कर रहे हो, केवल सुनी रहे हो उसको, तो वो किस मतलब की आपकी ऑनलाइन क्लास से आना, ज्यादा नहीं एक शॉर्ट वीडियो कोई भी मूवी का डायलॉग वगैरह ले लो हर टाइप का एक वीडियो बना और रोजाना एक्टिंग करके उसको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर डाली खुद की लैंग्वेज में, उससे पता चलेगा कि पब्लिक आपको कितना लाइक करती है, क्योंकि सोशल मीडिया ही है उसी पर पब्लिक है जी। वहाँ अगर आपको लाइक कर रही है पब्लिक तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री में भी लाइक किया जाएगा क्योंकि वही पब्लिक तो करेगी। चलिए थैंक यू सर बहुत बहुत आपका हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए, सबको समझाने के लिए। तो दोस्तों आपका एक्टिंग को लेके कोई भी सवाल है तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे।